शुद्ध प्रेरकत्व लगाओ, शुद्ध प्रेरकत्व लगाओ, शुद्ध का लगाओ प्रेरकत्व लगाओ। सुनो बहुत ध्यान से पढ़ाई करते, तो टॉप करना है इस बार, टॉप करना है। तो इसके लिए परिपथ क्या होगा देखो। अच्छा पहले प्रतिवर्ती धारा की बात करेगा तो बना लो इस तरीके से, प्रतिवर्ती धारा की बात करेगा तो, जब प्रेरकत्व की बात करेगा तो क्या होगा, कुंडली इस तरीके से बनाएंगे। जब प्रेरकत्व की बात करेगा तो इस तरीके से कुंडली होगा। इधर देखो कुंडली को हम लोग हमेशा यल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से। एकदम ध्यान से समझना, यल से। अब इसमें आप पढ़े होंगे, याद करिए कुछ नियम आपको मैंने पढ़ाया था कि आप से अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे। अच्छा याद है, प्रतिवर्ती वोल्टेज भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी, और आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई जीरो ओमेगा टी, ठीक है। और आपको याद करिए कि आप जब पढ़ते थे किसका नियम भाई, एक नियम था आपका, देखिए ऐसा नियम आपको लाना है, सुनो ऐसा नियम आपको लाना है जिसमें यल आना चाहिए, तब ना प्रेरकत्व तो आप दिखाएंगे। तो नियम कहाँ से आएगा? फैराडे के प्रथम नियम से, याद है। देखो फैराडे का प्रथम नियम है ई बराबर यन फाई बटा में डेल्टा टी, डेल्टा टी। आप पढ़े होंगे फ्लक्स घनत्व जो होता है, यन फाई जो होता है वह यल आई के बराबर होता है, फ्लक्स घनत्व जो होता है। तुम पढ़ो नहीं, पढ़ने दो लड़कवा को, चलो। वैसे स्कूल आप जा ही नहीं रहे हैं, सब क्या करेंगे सब, तो कहेंगे ये भी तो सही से पढ़ लिया जाए यहाँ भी। चलिए यन फाई बराबर क्या आ जाएगा, यल आई। तो आप ई के जगह पर भी तो रख सकते हैं, अभी आपको समझा रहे हैं यार। ई के जगह आप क्या लिख सकते हैं, भी। और भी की बात भी इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें भी जीरो ये यूज करना है आपको, और भाई ई भी तो विद्युत वाहक बल है, इसका ही मात्रक वोल्ट होता है, तो इसके ऊपर लिखेंगे यल आई। अब बटा में डी टी लिख लो, अगर चाहे तो यहाँ पर डी आई लिख लो, यहाँ पर यल आगे कर लो, तो भी बराबर क्या लिख देंगे, यल आई और डी आई बटा क्या आ जाएगा, डी टी। तो चलो यहाँ पर लिखना है, चाहे तो आप लिख सकते हैं फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से क्या होगा, भी बराबर यल डी आई बटा डी टी, डी आई बटा क्या आ जाएगा, डी टी। अच्छा चलो भी के जब क्या लिख सकते हैं बाबू, भी जीरो साइन ओमेगा टी, क्या दे दिया इसलिए भी लिखा है, बराबर यल डी आई बटा क्या आ जाएगा, डी टी। ये भी आपको याद हो गया। अच्छा अब मुझे बताइए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, तीसरा तीसरी गुणा करिए तो भी जीरो, पहले काम करिए एक एक गुणा कर दिए हमें, इसके नीचे एक है, एक है, तो यल डी आई भी जीरो साइन ओमेगा टी डी टी। देखो समझो पहले इतना दीपक बाबू ब्लैक बोर्ड पर आप देखिए ना, तुम कोशिश करिए, यही मत सोचिए कि नहीं आपसे बनेगा, ना तो उनको घबराने का बातें नहीं है, आदमी पढ़े ना बना पाए तो क्या फ़ायदा। देखिए इतना आ गया, आ गया इतना। अब आपको क्या करना है ना, डी आई को अकेले कर लो तो क्या हो जाएगा, भी जीरो बटा में यल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। और डी आई बच्चा पढ़ रहा बड़ा सा ना, डी टी जब भी आता है ना तो समाकलन करते हैं, बट्टा में रहता है तो अवकलन करते, लेकिन ऊपर है समाकलन, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन डी आई लिख लो बाबू, आई भी जीरो एल को बाहर निकाल लो, समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी, तो जब आई पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब इसका समाकलन करेगा तो खाली आई आएगा, आई का आ जाएगा भी जीरो एल के ओमेगा टी के, जब समाकलन करते तो बट्टा में आता है एक बट्टा ओमेगा, और साइन जो होगा माइनस कॉस में बदलता है बाबू, ओमेगा टी हो जाएगा। जब ये आप समाकलन करेंगे जो भी टी के साथ, टी को छोड़ करके जो भी होगा बट्टा में माइनस कॉस, यहाँ पर अब लिख रहे हैं, ध्यान से समझना है, आई बराबर भी जीरो बट्टा में ओमेगा यल। अगर आपको कॉस को साइन करना होगा तो कौन चतुर्थांश में साइन माइनस होता है, तो आप साइन यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि आप इसको लिखना पड़ेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी देखो सुनो, ये माइनस ई बताता है, सुनो ध्यान से, माइनस ई बताता है कि धारा का मान क्या होगा, पश्चगामी होगा, धारा का मान क्या होगा, पश्चगामी होगा, ठीक है ना, धारा का मान पश्चगामी होगा। क्यों क्यों क्योंकि देखो धारा में, जब धारा आपने आई का मान निकाला है, सुनो पहले ध्यान से बाबू,
आई का मान निकाला है तो आई का मान आ गया माइनस में, आई का मान किस में आ गया माइनस में, आई का मान माइनस में तो माइनस से बताता पीछे चलेगा ये कर्ज में डूब गया है। और देखो वी जीरो का मान किस में है प्लस में, तो यानी इसका मतलब होगा कि धारा का होगा पश्चगामी होगा। यहाँ से थोड़ा सा अब इस समय क्या प्राप्त हो गया नु, इन सबका मान एक मान लें, सबका मान कितना मान लें एक मैक्सिमम मान, इनका अगर हम लोग एक मान लें तो आई बराबर का हो जाएगा बाबू वी जीरो बटा ओमेगा एल, वी जीरो बटा ओमेगा एल। और फिर ओम के नियम से तुलना करेंगे तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, अरे भैया पढ़े थे ना ओम का नियम, आर बराबर क्या होता है वी बटा आई, जब गुणा करेंगे तो आई बराबर वी बटा आर। लेकिन आर अब आर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर पहले समझ लो, ओम के नियम से जब तुलना करेंगे, ओम के नियम से तुलना जब करेंगे तो आई तो वहीं रखेंगे वी जीरो वहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स एल आ जाएगा, एक्स एल कहा जाएगा एक्स एल। अब सुनो ध्यान से, अब इसको मिटा के बताते हैं आपको, एक्स एल आ गया तो अब क्या होगा बाबू, एक्स एल को क्या कहते हैं प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बाबू, ओम होता है, इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है, इसका मात्रक क्या होता है ओम होता है। और सुनो क्यों क्यों इसको एक्सएल लिख रहे हैं, क्योंकि ओमेगा के कारण इसके अंदर क्या होता है धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, और इसको प्रतिरोध के पद पर ही प्रतिरोध के जगह पर ही आया है, ओम के नियम से हमने तुलना किया इसलिए इसको प्रेरक प्रतिघात कहते हैं हम लोग। ठीक है चलो अब कालांतर निकालते हैं, क्या निकालते हैं कालांतर, क्या निकालते हैं कालांतर, तो कालांतर क्या निकालेंगे, कालांतर को फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको कालांतर निकालने के लिए ना घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, किस में से किसको घटा देंगे, ये ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी में से ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आपको क्या कर रहे हैं माइनस पाई बाई टू को घटा देना है, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल तो फाई बराबर का आ जाएगा पाई बाई टू आ जाएगा, माइनस पाई प्लस हो जाता है पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है अच्छा तो ये नोट पॉइंट में जरूर लिख लेंगे कि धारा का मान देखो यहाँ पर माइनस में आया है तो कहेंगे ना तो धारा का मान प्रतिवर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान या प्रतिवर्ती अब धारा का मान प्रत्यावर्ती वोल्टेज से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई टू पश्चगामी होगा, क्यों होगा क्योंकि माइनस में हुआ है, माइनस में आया पश्चगामी होगा। आप यही लिखा है देखो लिखे होंगे आप कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान प्रत्यावर्ती धारा से पाई बाई टू अग्रगामी होगा, दोनों बातें की होगा, अगर चाहे मन करता प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती धारा के मान को पश्चगामी कर दीजिए, प्रतिवर्ती धारा के मान को पश्चगामी कर दीजिए या प्रतिवर्ती वोल्टेज के मान को अग्रगामी कर दीजिए, दोनों बातें की होता है भाई, आगे जब रहेगा तो पीछे तो चलेगा, ये बात समझे, कोई आपको दिक्कत नहीं होता है, फेजर आरे खींचिएगा ना होता कौन भाई पश्चगामी है, धारा का मान पश्चगामी है ना, धारा का मान क्या है पश्चगामी, तो अगर यहाँ पर जब खींचेंगे फेजर आरेख तो कैसे खींचेंगे। अच्छा कोई समझ में आया पूरा, नहीं से समझ में आई ला नहीं आया उतना ना नहीं तो कल फिर आपको इसको बताया जाता। चलो ये धारा आपको एक सच में आई दिखा दो, देखो एक अग्रगामी का मतलब आगे आप यहाँ से खींचिएगा भी जीरो के लिए, ठीक है आई धारा आपका पश्चगामी है ना, इसीलिए पीछे पाई बाई टू दिखा दीजिएगा पश्चगामी है, तो ये पश्चगामी धारा आपका है तो इधर दिखाते हैं हम, ये फेजर आरेख है ठीक है, वो अग्रगामी है तो उसको दिखाते हैं, यहाँ पर ओमेगा टी रहेगा आपका। ठीक है तो सब लोग समझ गए ना, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आप लगा के लेकर आइएगा इस सूत्र पर दिया जाए, चलिए लिख लीजिए कुछ क्वेश्चन मिटा रहे हैं इसको चलो लिख लो, मिटाए नहीं गया नीचे वाला जो लिखना चाहता है, चलो क्वेश्चन आपको हल करके लाना है, पहला लिख लो बढ़िया से आप लगाइएगा। अच्छा पहला आपका जो आपको याद होगा ना हाटस की बात करता है तो यफ लिख लो, यफ का मान 200 हाटस है, 200 हाटस है बाबू, आप एकत्व का मान यल से प्रदर्शित करते हैं, यक्ष आपका हेनरी होता है तो एक्स यल का मान आपको निकालना है, थोड़ा सा मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ कि एक्स यल बराबर होता है ओमेगा यल, अगर ओमेगा नहीं दिया तो एक्स यल बराबर हो जाएगा 2πfL, इसी से आप यूज करके लगाएंगे। दूसरा आ जाओ, दूसरा आपका है बाबू यफ का मान, यफ का मान आपका 20 हर्ट्ज आपका है, 20 हर्ट्ज है, यल का मान आपका 300 हेनरी आपके पास है, और एक्स यल का मान इसमें भी क्या करना है निकालना है। तीसरा आ जाओ, तीसरा आपका है
यफ के मान आपका 300 है, 300 हटस है, और एल का मान 200 हेनरी है, एक्स एल का मान आपको निकालना है, सब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आप लगा के लेकर आएंगे, 3 क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है, बाकी हम लोग आपसे कल मिलते हैं, ठीक, चलो।